होडल सीआईए पुलिस ने बेड़ा पट्टी में हुई हत्या के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे हत्यारे को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस इसी हत्या के मामले में लिप्त 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस हथियार व बाइक बरामद करेगी। होडल सीआईए इंचार्ज नरेंद्र खटाना ने जानकारी में बताया कि उन्हें मुखबर द्वारा सूचना मिली कि 2017 में बेड़ा पट्टी निवासी में सोनू की हत्या के मामले में लिप्त बेड़ा पट्टी निवासी दीपक हसनपुर चौक पर भागने की फिराक में है, सवारी का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही इंचार्ज व हवलदार ओम प्रकाश, ASI फकरुद्दीन व सिपाही रिंकू व प्रदीप को लेकर हसनपुर चौक पर पहुंच गए। पुलिस ने वहां दीपक को हसनपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज खटाना ने बताया कि पूछताछ में दीपक ने बताया कि उन्होंने रिंकू की हत्या रास्ते में गाड़ी करने को लेकर हुए झगड़े में कारण की थी। इंचार्ज ने बताया कि इस हत्या में लिप्त 4 आरोपियों में से 3 आरोपी दीपक का भाई परमा, गांव भुलवाना निवासी जीतू उर्फ जितेंद्र व गांव पहाड़ी बहीन हाल हसनपुर रेलवे फाटक निवासी टिंकू उर्फ हाकेश को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी दीपक को पुलिस ने हसनपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पकड़ा गया आरोपी दीपक होडल व फरीदाबाद झगड़ों के मामलों में भी लिप्त है। उन्होंने बताया कि दीपक को पुलिस अदालत में पेश करके रिमांड पर लेगी, क्योंकि दीपक से हथियार व बाइक बरामद करनी बाकी है। सर, जो आपने जो हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया, क्या नाम है और कहां से गिरफ्तार किया, किस मामले में? ये वांछित ये दीपक नाम का आरोपी है, जिन्होंने 1 दिसंबर 2017 को सुरेंद्र सोनू की गोली मारकर हत्या करी थी। जो इसके और अन्य साथी थे, जिसमें इसका खुद का भी एक सगा भाई था और 2 और अन्य आरोपी थे जो पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, ये 3 साल से फरार चल रहा था, जिसको आज हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया। सर, क्या कोई इनाम है क्या इसके ऊपर या क्या है? नहीं, इनाम तो इसके ऊपर नहीं है, PO की कार्रवाई चल रही थी इसकी और इसी दौरान हमने इसको पकड़ लिया। सर, इन्होंने जो सोनू की हत्या करी थी, किस कारण करी थी? सोनू की हत्या इनका आपसी झगड़ा था, आपसी झगड़े की रंजिश चलते हुए इसने और इसके भाई ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली से उसकी हत्या कर दी। कौन से काम का रहने वाला सर ये? हसनपुर एरिया में बेड़ा गांव पड़ता है। अब इसे रिमांड पे लिया जाएगा जी, इसको अब 1 दिन के रिमांड पे लाया जाएगा।